से रिक्शा निकला ना तो रिक्शा वाला बोला कि हमको सुधीर डॉक्टर के यहाँ ले चलिए, सुधीर भैया के यहाँ। तो बोला कि नहीं साहब वो 15 दिन से बंद है, चलिए हम फलना डॉक्टर है, ये बहुत पुराना डॉक्टर भी है, चलिए उसके यहाँ। यहाँ ले आने के बाद हम डॉक्टर इसको बोलबो क्या कि मतलब भैया अगर सही है तो बोलिए, अगर नहीं बोला नहीं बच्चे के लिए एकदम ग्रेट है डॉक्टर, बच्चे के लिए सही है, आप जांच करवाइए यहाँ। बोला हम नहीं भी होगा हमको बोलिए, हम दूसरा जगह लेके चले जाता हूँ बच्चा अपना बच्चा है। बोला ठीक है यहाँ से नहीं होगा भर्ती, हम रेफर कर दूंगा सब प्राइवेट में, हम प्राइवेट सुई दिया। जाँच करवाने के बाद खून जाँच लेकर रिपोर्ट आया, उसके 2 मिनट पहले सुई दिया, उसके बाद गोद में मिल लेके बैठे रह गया उस जगह पर खा रहे, बस उसी जगह पर गोर हाथ छोड़ दिया भैया, 5 मिनट भी नहीं हुआ सुई देने के बाद में, 5 मिनट नहीं रहा मेरा बच्चा। तिहार में लगातार ये जो स्वास्थ्य माफिया का राज है, सीएस को लगातार मैंने कहा सर बड़े पैमाने पे यहाँ करप्शन चल रहा है, रिक्शा वाला तय रहता है और रिक्शा वाला पेशेंट को ये पेशेंट को सुध डॉग, ये पेशेंट का जो प्रिजन इसका जो पिता है, इस बच्चे का पिता ने कहा मुझे डॉक्टर सुधीर के पास जाना है, और रिक्शा वाले जो दलाल जो डॉक्टर का दलाल है डॉक्टर जेपी का दलाल, ये कहता है कि 15 दिन से डॉक्टर सुधीर कटिहार में नहीं है, ये पुराने डॉक्टर या बढ़िया डॉक्टर है और इसको आके यहाँ इलाज करवाने के लिए लेके आ गया, जबकि ये डॉक्टर बच्चे का शिशु का बच्चे ये डॉक्टर नहीं है। जरा आप सोचिए स्थिति क्या है, और एक अनट्रेंड जो दवा बेचता है उसका लाइसेंस भी सही है कि नहीं है ये भी संदेह के घेरे में है, और वो सुई देता है जिस सुई को देने के बाद 15 मिनट के बाद बच्चे का ब्लॉक हो जाता है चेस्ट, और ये देखिए सुई ये 70 साल के उम्र के आदमी को देना है, मगर ये एक बच्चा 5 साल के बच्चे को दिया गया है, 4 साल के बच्चे को, जरा सोचिए आप स्थिति क्या है। बिनोदपुर कंप्लीट रूप से ये बड़ा स्वास्थ्य माफियाओं का राज यहाँ हो चुका है, 80% वाले को यहाँ पर ना ही यहाँ का डॉक्टर का अथॉरिटी मिला हुआ है, ना ही लैब चलाने का अथॉरिटी मिला हुआ है, ना ही इसे दवा खुलाने चलाने का अथॉरिटी मिला हुआ है, मगर सीएस की मिली भगत और पूरा जिला प्रशासन की चुप्पी, ये सांप आज एक 4 साल के बच्चे का जान ले लिया।